नमस्कार दोस्तों, टेक शंकर में आपका स्वागत है। मैं शिव शंकर मिश्रा। आज मैं आपको लिए वीडियो लाया हूँ कि एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी वाला कैसे बनाई जाती है, उसी पर यह वीडियो है। ये हमारी ड्यूबी है, ये इन्वर्टर ड्यूबी है। तो मैं ऐसे कई प्लेटें रख रखा हूँ, ला के मेरा पर्पज यही है कि आपको वीडियो बनाना और दिखाना। तो दोस्तों, पूरा मटेरियल मैं खरीद के रखा हूँ सिर्फ आपके लिए। अब उसको हम पंच करेंगे। B22 ये कैप होता है, इसको हम पंच कर देंगे। देखो कितना बढ़िया पंच हो गया बॉडी में। ये तो एल्युमिनियम की बॉडी होती है, 57 mm बॉडी में होती है। अब ये पंच हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फिर हम इस पर, ये साफ साफ दिख रहा है, इस पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा। ये 57 mm की बॉडी है एल्युमिनियम की। ये हमारा ड्राइवर है जो बेस्ट क्वालिटी में है। इसकी 2 साल की वारंटी लेके दिया जाता है। तो ये जो व्हाइट वाला वायर है, ये सीधा आपके B22 होल्डर पे लग जाएगा। जो सुराख दिख रहा है, इसी में आप इसको डालेंगे। तो सबका लगाना बनाना, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो हमारा तरीका अलग है, औरों का तरीका अलग। ये वायर निकल गई। अब इस वायर को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। सोल्डरिंग के पहले हमें इसके ऊपर एक टिकली आती है, ये इसको टिकली कहते हैं। टिकली को हम प्रेसिंग मशीन से दबा देंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे, आपके बिल्कुल समझ में। अब इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने का कारण ये है कि ये जो टिकली होती है बिल्कुल बैठ जाती है, मतलब बिल्कुल बॉडी से चिपक जाती है एक तरफ से। ये इसको हम प्रेसिंग से प्रेस कर दिए और ये बैठ गया। अब इसके ऊपर हम SMD लगाएंगे। ये 9 वाट की है SMD लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो बने तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं तो लाइक न मत करें। ये 9 वाट की MCPCB है। ये हमारा हीट सिंक है, इसको हम SMD पे लगाते हैं ताकि SMD हमारी ठंडी रहे। उस ये जब ग्लो करती है, जब SMD जलती है तो इसको ठंडा रखता है। इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसको लगाने से हमारी जो SMD होती है वो गर्म नहीं होती, ये उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इस पर हम बढ़िया हीट सिंक को हम बढ़िया से लगा दिए हैं। अब देख रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह से लगा के अब दोनों वायर को आराम से इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको देखेंगे तो इस टिकली में सुराग है, सुराग और ऊपर के सुराग से मिला के में हम स्क्रू लगा देंगे। तो स्क्रू कसने के लिए आप पेचकस की सहायता ले सकते हैं, और मेरे पास तो एक छोटी सी स्क्रू मशीन है, क्योंकि इससे जल्दी काम हो जाएगा। और ये एक स्क्रू लग गया, अब दूसरे स्क्रू को हम कस देंगे और ये बिल्कुल टाइट हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा काम हो गया। तो दोस्तों, हम वीडियो कई प्रकार की बनाते हैं। फिर से आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं वॉशिंग मशीन, बॉयलर, पोर्टेबल बॉयलर, गीजर, बहुत सी ऐसी वीडियो बनाता हूँ और मैं अनेकों वीडियो डाल के दिखाया भी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल पर रहना, मैं उसकी भी वीडियो डालता रहूँगा और इसकी भी वीडियो डालता रहूँगा। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग में देखेंगे LN लिखा होता है, तो दोनों तार पर ध्यान देना हो, जो काले रंग का तार है उसको माइनस में लगाना है और जो रेड वाला वायर होगा उसको आपको प्लस में लगाना है।
ब्लैक वाला तार माइनस में और रेड वाला तार प्लस में, इसको हम सोल्डरिंग कर दें। तो दोस्तों हम एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ नॉलेज होता है कि नहीं होता है, तो आप ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को नई नई जानकारी देना ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें। ये सोल्डरिंग हो गया, अब हम नीचे की साइड सोल्डरिंग करेंगे। एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको हम कटर से काट दिए हैं, तो जो ज़्यादा बड़ी वायर हो उनको कटर से काट देना है आपको भी। तो मैं ये बिल्कुल हो गया, अब ऊपर के सोल्डरिंग करना है, जो B22 जहाँ पे हम ड्राइवर की वायर डाले थे, ये देख रहे हैं आप, अब इसके ऊपर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा चिपका दे, अब हम सोल्डर वायर को उठाएंगे और इसी पे डायरेक्ट हम कर देंगे। ये देखो हो गया, और ये दूसरे में भी ये दोस्तों बनके तैयार हो गई। अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास एलईडी बल्ब बन गई, और ये अब आपको हम इसको चेक करके दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल फिट हो गई, अब हम इसको जलाएंगे। वाओ, बहुत तेज़ रोशनी है, बढ़िया क्वालिटी का है। और ये अब इसके ऊपर हम डिफ्यूज़र को लगा देंगे, ये देख रहे हैं, आराम से प्रेस कर देंगे और ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।